हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जॉब्स इन शॉर्ट्स पे। हमेशा की तरह आज मैं फिर से आपके लिए एक नई जॉब वैकेंसी की जानकारी लेकर आया हूं दोस्तों, जो कि हमारे पास निकल कर आई है ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड यानी बेसिल की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, ये जॉब वैकेंसी है बेसिल रिक्रूटमेंट 2023, जिसे कि 19 ड्राइवर, नर्सिंग असिस्टेंट और वेरियस अदर पोस्ट के लिए जारी किया गया है। सैलरी की बात करें तो ये आपको 18,834 रुपये से लेकर 20,384 रुपये पर मंथ तक की मिल जाएगी। वहीं जॉब लोकेशन आपका जम्मू एंड कश्मीर ही रहेगा। अगर बात कर लेते हैं इस फॉर्म का आवेदन करने के लिए अप्लाई मोड क्या रखा गया है, तो इसे कम्प्लीटली ऑनलाइन रखा गया है दोस्तों। तो आइए बिना देर किए इस जॉब वैकेंसी के बारे में डिटेल में जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही सब्सक्राइब करें, साथ ही इस वीडियो को पूरा देखें और लाइक और शेयर करना न भूलें। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों पोस्ट वाइज वैकेंसी डिटेल्स की। तो नर्सिंग असिस्टेंट के लिए 4 वैकेंसी है, इलेक्ट्रीशियन के लिए और ड्राइवर पोस्ट के लिए 1-1 वैकेंसी है, मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए 5 वैकेंसी है, डेटा एंट्री ऑपरेटर यानी DEO के लिए 3 वैकेंसी है, MTS पोस्ट के लिए 4 वैकेंसी है, जबकि ड्राइवर HMV के लिए यानी कि हैवी मशीन व्हीकल के लिए 1 वैकेंसी है। अगर बात कर लेते हैं दोस्तों एडुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो जिन कैंडिडेट्स ने क्लास 10th यानी कि 10वीं कक्षा का पास कर रखा है या फिर ITI क्लास 12th, डिप्लोमा, BSc, ग्रेजुएशन या फिर GNM कर रखा है किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड यूनिवर्सिटी से, वो सारे कैंडिडेट इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। वहीं अगर पोस्ट वाइज एडुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की जाए, तो नर्सिंग असिस्टेंट पोस्ट के लिए जिन कैंडिडेट्स ने BSc नर्सिंग या फिर GNM कर रखा है वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। इलेक्ट्रीशियन पोस्ट के लिए जिन कैंडिडेट्स ने क्लास 10th यानी कि 10वीं कक्षा पास कर रखा है, साथ ही ITI या फिर डिप्लोमा कर रखा है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से, वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। ड्राइवर पोस्ट के लिए जिन कैंडिडेट्स ने क्लास 10th यानी कि 10वीं कक्षा पास कर रखा है वो इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। वहीं मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी MTS के लिए आपका क्लास 12th यानी कि 12वीं कक्षा पास किया होना जरूरी है। अगर बात कर लेते हैं डेटा एंट्री ऑपरेटर यानी DEO की, तो इसके लिए जिन कैंडिडेट्स ने ग्रेजुएशन कर रखा है वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। MTS पोस्ट के लिए आपका ITI या फिर क्लास 12th यानी कि 12वीं कक्षा पास किया होना जरूरी है। वहीं अगर ड्राइवर HMV पोस्ट की बात करें, तो इसके लिए जिन कैंडिडेट्स ने क्लास 10th यानी कि 10वीं कक्षा पास कर रखा है वो इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। अगर पोस्ट वाइज सैलरी डिटेल्स की बात करें, तो डेटा एंट्री ऑपरेटर पोस्ट के लिए आपको मिल जाएगी 20,384 रुपये पर मंथ तक की सैलरी। MTS पोस्ट के लिए आपको मिल जाएगी 18,834 रुपये पर मंथ तक की सैलरी, जबकि ड्राइवर HMV पोस्ट के लिए आपको मिलेगी 20,000 रुपये पर मंथ तक की सैलरी। वहीं बाकी अदर पोस्ट की बात करें, तो इसके लिए यह एज पर नॉर्म से रखी गई है, इसे आप इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में चेक कर सकते हो। वहीं अगर बात कर लेते हैं एज लिमिट यानी आयु सीमा की, तो नर्सिंग असिस्टेंट पोस्ट के लिए आपकी आयु 21 से लेकर 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए। वहीं इलेक्ट्रीशियन और मल्टीटास्किंग स्टाफ पोस्ट के लिए आपकी आयु 21 से लेकर 30 वर्ष के बीच होनी चाहिए और ड्राइवर पोस्ट के लिए आपकी आयु 21 से लेकर 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए और ये सभी 31 जुलाई 2023 से पहले तक होनी चाहिए। वहीं अगर बाकी अदर पोस्ट की बात करें, तो इसके लिए एज पर नॉर्म सी रखी गई है। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें, तो जनरल OBC एक्स सर्विसमैन और वुमन कैंडिडेट्स को देने में 885 रुपये, वहीं SC ST EWS और PH कैंडिडेट्स को देने में 531 रुपये। मोड ऑफ पेमेंट ऑनलाइन ही होगी दोस्तों, जबकि सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो केवल रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू पे बेस्ड होगी। और अगर अंत में बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो इस फॉर्म को भरने की प्रक्रिया 23 अगस्त 2023 से स्टार्ट हो जाएगी, जो कि 12 सितंबर 2023 तक चलेगी। वहीं अगर पोस्ट वाइज लास्ट डेट डिटेल्स की बात करें, तो नर्सिंग असिस्टेंट, इलेक्ट्रीशियन, ड्राइवर और मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए आप 30 अगस्त 2023 तक ही आवेदन कर सकोगे। वहीं बाकी अदर पोस्ट यानी कि डेटा एंट्री ऑपरेटर, MTS और ड्राइवर HMV के लिए आप 12 सितंबर 2023 तक आवेदन कर सकते हो। साथ ही इस वैकेंसी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं, वो सारे आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उस पर क्लिक करके आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो और अपना एप्लीकेशन के लिए ऑनलाइन आवेदन करना भी स्टार्ट कर सकते हो। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है, तो उसे आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो फिर मिलता हूँ दोस्तों एक नए वीडियो में एक नई जॉब वैकेंसी की जानकारी लेकर। जय हिंद।